गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आते हैं सबसे पहले हेडिंग्स पे। एनवायरमेंटल क्लियरेंस। क्लियरेंस जानते होंगे, किसी चीज को अनुमति दी जाती है। क्लियर इसकी वर्ब होती है, क्लियरेंस क्या होता है नाउन। अनुमति, परमिशन, अप्रूवल। परमिशन कह लो, अप्रूवल कह लो। अगर किसी चीज के लिए क्लियरेंस मिल गया है, इसका मतलब उस काम को करने की अनुमति मिल गई है। तो जो पर्यावरण की अनुमति दे दी गई है काले शर्म को, इन वायोलेशन ऑफ लॉ, उससे कानून का उल्लंघन हुआ है, इसका मतलब वो अनुमति सही तरीके से नहीं दी गई। कानून का उल्लंघन करते हुए वो अनुमति दी गई है, वो अनुमति दी जानी नहीं चाहिए थी। वायोलेशन जानते होंगे, उल्लंघन। वायोलेशन की वर्ब आपको सिखाई जा चुकी है, वायोलेट, VIOLATE, कानून का उल्लंघन करना, कानून तोड़ना। हमारे लिए दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट थे, क्लियरेंस और वायोलेशन। US डेप्टी सेक्रेटरी, जो US के उप सचिव हैं, डेप्टी जानते होंगे, उप सेक्रेटरी क्या होता है, सचिव। जो उप सचिव है राज्य के, बिगोन वॉन्ट्स, वो चाहते हैं जो कोर्ट का समूह है उसको फॉर्मलाइज किया जाए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर्मलाइज, किसी को कानूनी दर्जा देना, औपचारिक दर्जा देना। किसी चीज को अगर कानूनी दर्जा दे दिया जाता है तो वो चीज कानूनी रूप से सही हो जाती है। फॉर्मलाइज, फॉर्मलाइज का मतलब कानूनी दर्जा देना, गिव लीगल स्टेटस। अभी जो कोड है उसे लीगल स्टेटस नहीं मिला हुआ है, कानूनी दर्जा नहीं मिला हुआ है। हमारे लिए इसमें एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट था, फॉर्मलाइज। मरियम नवाज, जो मरियम नवाज है बुक, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बुक नाउन के रूप में तो किताब सुना होगा, वर्ब के रूप में बुक का मतलब होता है के खिलाफ मामला दर्ज करना। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मामला दर्ज कर लिया गया है। फॉर किस बात के लिए, होल्ड, उन्होंने आयोजन किया था। होल्ड जानते होंगे, ऑर्गेनाइज, इन्होंने आयोजन किया था सरकार विरोधी रैली का आयोजन किया था, कहां पर, पाकिस्तान में। ये जो मरियम नवाज है, इन्होंने सरकार के विरोध में एक रैली का आयोजन किया था, इसके लिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, केस दर्ज हो गया है। पूरन स्नॉक, जो पूरन की पारी है, इसने काफी तेज पारी खेली थी। पूरन की जो पारी है, 50 से ज्यादा रन बनाए थे इसने। पूरन की पारी ने ट्रंप पछाड़ दिया है। ट्रंप मिस पछाड़ना, TRUMP फर्स्ट फॉर्म है, TRUMPED सेकंड थर्ड फॉर्म है। पछाड़ने का मतलब क्या है, अगर हमने किसी को पछाड़ दिया तो उसे हरा दिया, पीछे छोड़ दिया। ट्रंप को कह सकते हैं आउट परफॉर्म। आउट परफॉर्म क्या होता है, दूसरे की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया, मतलब उसे पछाड़ दिया। आउट परफॉर्म कह लो, आउट क्लास कह लो, ये जो न्यू वर्ड बता रहा हूं जानबूझ के उन्हें क्लियर करो। आउट परफॉर्म का मतलब भी किसी को हराना, पछाड़ना, उससे अच्छा प्रदर्शन करना। आउट क्लास का मतलब भी उससे अच्छा प्रदर्शन करना। आउट साइन का मतलब भी उससे अच्छा प्रदर्शन करना। ये सारे एक ही वर्ड है, आउट साइन से अच्छा प्रदर्शन करना,
आउट क्लास से अच्छा प्रदर्शन करना, आउट परफॉर्म से अच्छा प्रदर्शन करना, ट्रंप का मतलब भी से अच्छा प्रदर्शन करना, पछाड़ना या कह सकते हैं हराना, बीट। भाई हराने का मतलब भी तो पछाड़ना ही हो गया, क्लियर। ये सारे एक ही वर्ड है, पूरन की जो पारी थी उसने पछाड़ दिया, किसको पछाड़ दिया, धवन की ऐतिहासिक शतक को। धवन ने बहुत ही ऐतिहासिक शतक बनाया था, हिस्टोरिक। हिस्टोरिक को ऐतिहासिक कह सकते हैं, महत्वपूर्ण कह सकते हैं। शिखर धवन ने एक बहुत ही ऐतिहासिक शतक लगाया था, उस शतक को किसने पछाड़ दिया, पूरन की पारी में। यानी पूरन की पारी जो थी वो धवन के शतक पर भारी पड़ गई। एज चूंकि किंग इलेवन पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को अचंभित कर दिया, अचंभित करने का मतलब हरा दिया। अगर कोई टीम किसी को अचंभित कर रही है इसका मतलब उसको हरा दे रही है। स्टन अचंभित करना, हमारे लिए इसमें तीन इंपॉर्टेंट वर्ड थे, ट्रंप पछाड़ना, हिस्टोरिक ऐतिहासिक, स्टन अचंभित करना। क्लियर, तीनों वर्ड क्लियर कर लिए होंगे। वायरस जो कोरोना वायरस है, स्टिल अब भी, स्टिल का मतलब अब भी अराउंड चारों ओर है, अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने सावधान किया है देश को, कौशन सावधान करना कह लो या चेतावनी देना कह लो, एक ही बात है। लोगों को सावधान किया मतलब चेतावनी दी है, कौशन सावधान करना, फॉलो पालन करो, अनुसरण करो, कोविड 19 के प्रोटोकॉल्स का अनुसरण करो। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, नियम, रूल्स, गाइडलाइंस। गाइडलाइन सुना होगा, रूल सुना होगा, एक ही बात है। कोविड 19 के नियमों का अनुसरण करो, पालन करो, टिल कब तक पालन करो, जब तक टीका प्रारंभ नहीं हो जाता। रोल आउट का मतलब लॉन्च, रोल आउट क्या होता है, लॉन्च, लॉन्च का मतलब जब तक टीका का प्रारंभ नहीं हो जाता, शुभारंभ नहीं हो जाता, तब तक नियमों का पालन करो। टीका आ जाएगा फिर तो सबके टीका लग जाएगा, फिर तो बीमारी फैलेगी नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या थे, कौशन सावधान करना, प्रोटोकॉल्स नियम, रोल आउट का मतलब प्रारंभ करना, लॉन्च, वैक्सीन जानते होंगे, टीका, फॉलो पालन करना, अनुसरण करना। क्लियर। पंजाब जो पंजाब सरकार है, फॉर्मली उसने औपचारिक रूप से, फॉर्मली का मतलब औपचारिक रूप से, रिजेक्ट अस्वीकार कर दिया है फार्म लॉज, कृषि कानून को, जो केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानून पास किया गया उसको पंजाब की सरकार ने औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया। असेंबली, वहां की जो पंजाब की विधानसभा है, पासेज, उसने पास कर दिए तीन नए विधेयक, बिल्स जानते होंगे, विधेयक। गवर्नमेंट इंक्रीजेस, सरकार ने बढ़ा दिया है, इंक्रीज बढ़ाना, और डिक्रीज होता तो कम करना। पोल स्पेंड जो चुनाव का खर्चा था, स्पेंड मिस खर्चा या नाउन के रूप में आ रहा है, स्पेंड को कह सकते हैं एक्सपेंडिचर। सरकार ने बढ़ा दिया है जो चुनावी खर्चे की अधिकतम सीमा थी उसको 10% बढ़ा दिया है, सीलिंग,
सीलिंग का मतलब होता है अधिकतम सीमा, एक तो छत का जो निचला हिस्सा होता है उसे सीलिंग बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा, छत के निचले हिस्से को जो यहां से दिख रहा है उसे सीलिंग बोलते हैं, ऊपर वाले को रूफ बोलते हैं। दूसरा सीलिंग का मतलब होता है अधिकतम सीमा, मैक्सिमम लिमिट। जैसे इस समय हम लोगों को एक साल में कितने सिलेंडर मिल सकते हैं, 12, तो ये सीलिंग कितनी है सिलेंडरों की, 12। सीलिंग अधिकतम सीमा होती है, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो अभी तक चुनाव में कोई फिक्स लिमिट होगी कि जो चुनाव में खड़ा हो रहा है वो इतने लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता चुनाव में। ऐसा तो ये होगा फिर जिस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा होगा चुनाव में ज्यादा खर्च करके जीत जाएगा। सभी के लिए एक लिमिट होती है, उस अधिकतम लिमिट को, मैक्सिमम लिमिट को क्या बोलते हैं, सीलिंग। अब उस सीलिंग को सरकार ने कितना बढ़ा दिया, 10%। 10% बढ़ाने का मतलब है अगर पहले 100 रुपए खर्च कर सकते थे अधिकतम, तो अब खर्च करते कर सकते हैं 110 रुपए। मूव, ये जो सरकार का कदम है, मूव मींस कदम, स्टेप। फॉलो किसके बाद आया है, चुनाव आयोग की सिफारिशों के बाद। रिकमेंडेशन जानते होंगे, सिफारिश, इसकी वर्ब होती है रिकमेंड, RECOMMEND, सिफारिश करना, रिकमेंड, रिकमेंडेड, रिकमेंडेड। फॉलो बाद में घटित होना, कोई चीज किसी को फॉलो कर रही है तो उसके बाद में घटित हो रही है, तो ये कदम किसके बाद घटित हुआ है, चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद। FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, ब्लूम। ब्लूम क्या होता है, कोई फूल वगैरह खिलता है, फूल के खिलने को क्या बोलते हैं, ब्लूम। खिलने का मतलब क्या है, उन्नति कर रहा है, तो FDI में उन्नति हुई है, बढ़ोतरी हुई है। इन COVID-19 ब्लूम, इन्होंने तुक मिलाई है ब्लूम और ग्लूम से, FDI में बढ़ोतरी हुई है COVID-19 की उदासी की स्थिति में। ग्लूम क्या होता है, उदासी, निराशा। अगर कोई व्यक्ति ग्लूम की कंडीशन में तो कैसा है, उदास है, निराश है। ग्लूम, उदासी लिख लो, निराशा लिख लो, क्लियर। अंधकार की जो स्थिति होती है उसे ग्लूम बोलते हैं, अंधकार का मतलब निराशा की स्थिति, उदासी की स्थिति। तो COVID-19 की उदासी में, COVID-19 की निराशा में जो FDI है उसने उन्नति की। FDI में गिरावट नहीं आई, सब बिजनेस में गिरावट आई, FDI बढ़ गया है। इनफ्लो, जो पैसों का आगमन है, इनफ्लो का मतलब कोई चीज बाहर से अंदर हमारे पास आ रही है, उसे बोलते हैं इन। इनका मतलब जान गए हो, अंतर्भाव, बाहर से अंदर की तरफ आना। इनफ्लो को कह सकते हैं अराइवल, आगमन। पैसा आता है, जो आगमन है बूस्टेड, वो बढ़ गया है। बूस्ट मींस बढ़ना, इंक्रीज। बूस्ट पॉजिटिव बढ़ना, हमेशा बढ़ने के लिए आता है, प्रोत्साहन देने, बढ़ाने के लिए। तो जो पैसों का आगमन है, इनफ्लो है, वो बढ़ गया है। बाई किसके द्वारा बढ़ गया है, जो बहुत ज्यादा लोग शेयर लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, किसमें, जियो में, जियो में निवेश बढ़ा है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश, और स्टेक क्या होता है, हिस्सा, शेयर। किसी कंपनी में अपना शेयर लगाते हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा जियो को ही हुआ है। जियो में जो निवेश है उसमें बहुत ज्यादा लोगों ने स्टेक लगाया है, अपना शेयर लगाया है। जब शेयर ज्यादा लगाया है तो पैसों का जो इनफ्लो था, पैसों का आगमन था, वो बढ़ गया। जब लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसों का आगमन बढ़ेगा, कंपनी के पास ज्यादा पैसा आएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड थे ब्लूम। ब्लूम का मतलब खिलना कह लो, उन्नति करना कह लो, बढ़ना कह लो। ग्लूम उदासी या निराशा, इनफ्लो आगमन, बूस्ट बढ़ाना, बढ़ाना बढ़ना दोनों ही सेंस निकलते हैं। स्टेक हिस्सा, शेयर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश। ये सारे वर्ड क्लियर कर लेना।
आज वोकैब काफी अच्छे लेवल की आई है, तो थोड़ा सा ध्यान दो। मिजरी कंटिन्यूज, परेशानी जारी है। मिजरी क्या होता है? कष्ट, परेशानी, डिफिकल्टी। मिजरी जरूर लिख लेना, MISERY कहते हैं उसकी कंडीशन बहुत ही मिजरेबल हो गई है, दयनीय हो गई है। सोल्जर, हमारा जो सैनिक था, ये चाइना का कहना है, जो हमारा सैनिक था वॉज हेल्पिंग, वो मदद कर रहा था हर्डर्स, चरवाहों की मदद कर रहा था। ये बात किसने कही है? चाइना ने। हर्डर्स कौन होते हैं? चरवाहे। चरवाहे कौन होते हैं? हर्ड आपने सुना होगा, झुंड, और जो उस झुंड को कंट्रोल करता है वो क्या कहलाता है? हर्ड। जानवरों को देखा होगा आपने गांव वगैरह में, जानवरों को जो चराने के लिए ले जाते हैं, तो उसमें एक व्यक्ति होता है वो उनको कंट्रोल करता है, वो किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो हर्ड को कंट्रोल करे वो हर्ड चरवाहा। इंडियन आर्मी है सैड, भारतीय सेना ने कह दिया है ही विल बी रिटर्न, कि उसे वापस लौटा दिया जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटी, औपचारिकता पूरी करने के बाद। WII, जो WII है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वन्य जीव संस्थान, उसके जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, एंग्सस, चिंतित हैं। एंग्सस क्या होता है? चिंतित। और एंग्सस का नाउन होता है एंग्जायटी। ANXIETY, एंग्जायटी माने चिंता, वरी। एंग्सस चिंतित होता है, एंग्जायटी चिंता होती है। जो WII है उसके जो वैज्ञानिक है वो चिंतित हैं। अबाउट किसके बारे में चिंतित हैं? जो उनके फंडिंग में कटौती हो सकती है उसके बारे में चिंतित हैं। पोटेंशियल मिस पॉसिबल, संभावित। पॉसिबल कह लो, लाइकली कह लो, LIKELY और POSSIBLE, संभावित। अभी कटौती हुई नहीं है उनके पैसों में, लेकिन कटौती होने की संभावना है, इसके लिए वो चिंतित हैं। कटौती हो जाएगी तो रिसर्च कैसे कर पाएंगे साइंटिस्ट? तो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, भारत का वन्य जीव संस्थान है, उसके वैज्ञानिक चिंतित हैं। किसके बारे में चिंतित हैं? जो संभावना बन रही है, संभावित, उनके कोष में कटौती की जाएगी, इसके बारे में वो चिंतित हैं। फंडिंग जानते होंगे, पैसा किसी चीज में जो सरकार देती है उसकी फंडिंग करती है, निधि। फंडिंग का मतलब क्या होता है? निधि कह लो, कोष कह लो, आर्थिक मदद कह लो। तो जो सरकार फंडिंग करती है, सरकार जो पैसा देती है, निधि देती है, उसमें कटौती की संभावनाएं बन रही है, इसलिए साइंटिस्ट कैसे हैं? चिंतित। फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो वित्त मंत्रालय है, हैज रिकमेंडेड, उसने सिफारिश की है दैट के इंस्टीट्यूट, ये जो संस्थान है, बी डाइवेस्टेड, इससे छीन लिया जाएगा। डाइवेस्ट मींस छीनना, कोई चीज किसी से डाइवेस्ट कर ली जाती है तो वो चीज उससे पावर छीन ली जाती है। तो वित्त मंत्रालय ने ये सिफारिश की है कि संस्थान से छीन लिया जाएगा जो इसका दर्जा है, स्वशासित निकाय का, वो छीन लिया जाएगा। स्टेटस, दर्जा, ऑटोनोमस, स्वशासित। स्वशासित क्या होता है? उस पर कोई और शासन नहीं कर रहा होता, वो लोग खुद ही अपने आप में एक अथॉरिटी होते हैं। ऑटोनोमस का नाम सुना होगा, ऑटोनोमी, स्वशासन, बॉडी, निकाय, MOEF।
जो एमओईएफ की ये स्वशासित निकाय है इसका दर्जा इससे छीन लिया जाएगा। छीनने का मतलब प्री ऑटोनोमस बॉडी नहीं रहेगी, फिर सरकार के कंट्रोल में आ जाएगी। टू एएमयू डॉक्टर्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दो डॉक्टर सैक, उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सैक हटाना, नौकरी से बर्खास्त करना, एएमयू के दो डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। सैक को कह सकते हैं टर्मिनेट। डिसमिस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दो डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। ओवर, किस बात के ऊपर उन्हें बर्खास्त किया गया है? उन्होंने मीडिया से बात की थी आतरस मामले में, इसलिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन अधिकारियों का यह कहना है कि उसकी वजह से बर्खास्त नहीं किया गया है। ऑफिशियल से अधिकारियों ने क्या कहा है? ऑफिशियल जानते होंगे अधिकारी, इट इज ए रूटीन अफेयर, ये तो नियमित मामला है, अक्सर ऐसा होता रहता है, डॉक्टर बर्खास्त होते रहते हैं। रूटीन, नियमित अफेयर, मामला, ये तो एक नियमित मामला है, अधिकारियों का ऐसा कहना है। और अधिकारियों ने डिनाई, इंकार किया है कि उनकी बर्खास्तगी का कोई संबंध बलात्कार और हत्या के मामले से है। मतलब अधिकारियों का यह कहना है कि इनको जो बर्खास्त किया गया है उसका उस बलात्कार हत्या मामले से कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं। लिंक जानते होंगे, जुड़ाव, संबंध, कनेक्शन, डिनाई, इंकार करना। जुवेनाइल एक किशोर है, किशोर जानते होंगे जिसकी उम्र 16 साल से कम होती है। एक किशोर हेल्ड, किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। होल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है, हेल्ड सेकंड थर्ड फॉर्म होती है। एक किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, किस बात के लिए? उसने बलात्कार किया था एक छोटी बच्ची के साथ। टॉडलर होता है छोटा बच्चा या बच्ची, एक्चुअली ये टॉडलर बना हुआ है टॉडल से। टॉडल माने होता है छोटे बच्चे के द्वारा लड़खड़ा कर चलना, ये बच्चों के लिए आता है, शराबी के लिए नहीं आता। अगर शराबी लड़खड़ा कर चल रहा है तो टॉडल नहीं आएगा। टॉडल का मतलब छोटे बच्चे के द्वारा लड़खड़ा कर चलना। आपने देखा एक दो साल का बच्चा होता है वो धीरे धीरे चलना सीख रहा होता है, उसे टॉडलर बोलते हैं। वन थाउजेंड, एक हजार जो गुड़गांव के परिवार हैं, लेफ्ट इन द डार्क, उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया गया। लाइट नहीं आ रही होगी, अंधेरे में छोड़ दिया गया कितने घंटों के लिए? 12। बैन, वहां पे प्रतिबंध लगा हुआ है, बैन जानते होंगे प्रतिबंध। जनरेटर सेट पे प्रतिबंध लगा हुआ है, जनरेटर जानते होंगे, बिजली नहीं आती है तो जनरेटर का प्रयोग करते हैं, शादी वगैरह में देखा होगा जनरेटर। प्रतिबंध लगा हुआ है वहां जनरेटर सेट्स पे, क्रिएट है वक्त, इस प्रतिबंध ने वहां तबाही मचा दी है। क्रिएट है वक्त, तबाही मचाना, 12 घंटे तक अंधेरे में रहेंगे तो तबाही तो वैसे ही मच गई है। वक्त क्या होती है? तबाही। दिल्ली का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हवा की गुणवत्ता का जो सूचकांक है वर्सन, वो खराब हो जाएगा आज। वर्सन कल बताया था बिगड़ना, खराब होना, वर्सन के सिनोनिम्स भी बताए थे डिटीरियोरेट, एग्रेवेट। ओवर 1000, 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने पास किया है जीओ नीट का एग्जाम। यहां क्लियर का मतलब पास करने से है, और अभी क्लियर आया था वह स्वीकृति देने से था। सीएम सेज, मुख्यमंत्री ने कहा है स्टूडेंट्स, ये जो विद्यार्थी हैं, कैन अवेल, लाभ उठा सकते हैं, अवेल
फायदा उठाना, लाभ उठाना, अवेल जरूर लिख लेना, AVAIL, विद्यार्थी फायदा उठा सकते हैं लोन्स, जो लोन मिलते हैं, कर्जा मिलता है उसका, और छात्रवृत्ति का, स्कॉलरशिप जानते होंगे, छात्रवृत्ति। जो जिम खाना क्लब है उसका जो लाइसेंस होता है, बार लाइसेंस होता है, निक्स, उसे रद्द कर दिया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है निक्स, NIX, निक्स मींस कैंसल, CANCEL, कैंसल भी रद्द करना, रिवोक भी रद्द करना, रिपील भी रद्द करना, ये सब सुने होंगे, कैंसल, रिवोक, रिपील, रिसेंड, RESCIND, रिसेंड मिस भी रद्द करना, ये सारे याद होने चाहिए, कैंसल, रिवोक, रिपील, रिसेंड, काउंटरमेंड, CONTERMAND, और ANNUL, एनल मिस भी रद्द करना, काउंटरमेंड मिस भी रद्द करना। गुलफिसा, ये इनका नाम है, इनकी जो कानूनी जमानत की याचिका थी उसको अस्वीकार कर दिया गया है। स्टैचूटरी, कानूनी, वैधानिक, ये बना हुआ है स्टैचूट से। स्टैचूट माने होता है कानून, इसी से बना हुआ है स्टैचूटरी, कानूनी, वैधानिक। बेल जानते होंगे, जमानत, प्ली मिस याचिका, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, पेटिशन। BSP बिल इमर्ज, जो बहुजन समाज पार्टी है, इमर्ज, उसका उदय होगा, इमर्ज मिस उदय होना, उभर कर बाहर आना, सबके सामने आना, BSP का उदय होगा किंग मेकर के रूप में मध्य प्रदेश के उपचुनाव में। ये बात वहां के राज्य के पार्टी के मुखिया ने की, किंग मेकर वो होता है जो सरकार बना सकता है, सरकार गिरा सकता है, उसके बाद में विधायक होते हैं। एट्रोसिटीज, जो अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटीज, अत्याचार, एट्रोसिटीज का सिंगुलर होता है, एट्रोसिटीज इसका प्लूरल। जो अत्याचार हो रहे हैं अगेंस्ट, किसके खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के खिलाफ। कस्टोडियल डेथ, और जो पुलिस की हिरासत में लोगों की मौतें हो रही हैं, कस्टोडियल डेथ होता है, हिरासत में मौत, कस्टडी हिरासत होती है। अमंग, ये दोनों चीजें मुख्य चुनाव प्रचार के मुद्दों में है, की मिस मुख्य, कैंपेन, चुनाव बयान, चुनाव प्रचार, इश्यू मुद्दे, यानी चुनाव बयान चला रहे, उसके दो प्रमुख मुद्दे हैं, तो दलितों के खिलाफ अत्याचार और हिरासत में लोगों की मौत। हाई कोर्ट अलाव, हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है, अलाव अनुमति देना, अलाव कह लो, परमिट कह लो, हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है पुरी मंदिर को क्या सेलिब्रेट करने की, क्या मनाने की, दुर्गा पूजा।
आते हैं भाई। कालेश्वरम, जो कालेश्वरम परियोजना को इको क्लियरेंस दिया गया है, इको क्लियरेंस कह लो या एनवायरमेंट क्लियरेंस कह लो, ये अभी हेडिंग में बताया था, इको इकोलॉजी से बना हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र से। तो पर्यावरण की जो अनुमति दी गई थी कालेश्वरम परियोजना को, उससे कानून का उल्लंघन हुआ है, ये बात एनजीटी का कहना है। वायोलेट, उल्लंघन करना, वायोलेट वर्ब होती है, वायोलेशन क्या होता है नाउन। ट्रिब्यूनल, जो एनजीटी के लिए आया, ट्रिब्यूनल प्राधिकरण कह लो, न्यायालय कह लो, एनजीटी की फुल फॉर्म जानते होंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो प्राधिकरण ने डायरेक्ट निर्देश दिए केंद्र सरकार को, अपॉइंट के वो नियुक्त करे एक्सपर्ट पैनल, एक विशेषज्ञों की समिति को नियुक्त करे, ऑन किसके बारे में, रेमेडियल मेजर्स, सुधारात्मक कदम के बारे में। ये रेमेडियल किससे बना हुआ है, रेमेडी से, आर ई एम ई डी वाई। रेमेडी क्या होती है, किसी चीज का इलाज, सुधार, किसी बीमारी की रेमेडी होती है, इसका मतलब उसका क्या होता है, इलाज। तो रेमेडियल मेजर्स कौन से हो गए, इलाज के कदम, सुधार के कदम, सुधारात्मक कदम। मेजर्स मींस कदम, स्टेप्स। वॉटर राइजेस, पानी बढ़ रहा है, राइज मींस बढ़ना, इन फ्लडेड लोकेलिटी, बाढ़ वाले मोहल्लों में, लोकेलिटी मोहल्ला फ्लडेड, जहां पे बाढ़ आ गई हो, बाढ़ वाले मोहल्लों में पानी का स्तर बढ़ रहा है, सो डज फियर, और डर भी बढ़ रहा है। सो डज का मतलब राइज, सो डज का मतलब यानी फियर भी ऐसा ही कर रहा है, फियर डर भी ऐसा ही कर रहा है, मतलब डर भी बढ़ रहा है, पानी भी बढ़ रहा है, डर भी लोगों में बढ़ रहा है। ट्यूजडेस रेन, जो मंगलवार की बारिश हुई है, एडिड टू, उसने बढ़ा दिया है, एड टू एक साथ लिखना, इंक्रीज। एड टू का मतलब बढ़ाना, एड टू जरूरी एक साथ लिखना। मंगलवार की बारिश ने हैदराबाद के नदीम कॉलोनी के निवासियों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। रेजिडेंट्स कौन होते हैं, निवासी। मिजरी मिस कष्ट परेशानी, अभी फोटो में ही बताया था, मिजरी, मिजरी मिस कष्ट परेशानी। तो नदीम कॉलोनी जो कि हैदराबाद में है, उसके निवासियों की परेशानियों को बढ़ा दिया है मंगलवार की बारिश ने। डोनेशन, जो दान है, डोनेशन जानते होंगे, डोनेट करते हैं, दान देते हैं। पोर इन बड़ी संख्या में आया है, पोर इन जरूर लिख लेना, भारी मात्रा में आना, बड़ी मात्रा में आना, कोई चीज पोर इन करती है तो लार्ज अमाउंट्स में आती है। दान बड़ी मात्रा में आया है तेलंगाना के राहत के लिए, यानी लोगों ने कम दान नहीं दिया, वो ज्यादा दान दिया है। 3 CMs, जो 3 CM है अनाउंस, उन्होंने घोषणा कर दी है अपने कॉन्ट्रीब्यूशन की, अपने योगदान की। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, योगदान। अनाउंस जानते होंगे, घोषणा करना। पोर इन, भारी मात्रा में आना, बड़ी मात्रा में आना। मैन, वो व्यक्ति, हु थ्रेटन्ड, जिसने धमकी दी थी न्यायाधीश को, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ही वॉन्टेड, वो व्यक्ति चाहता था अपने ब्रदर इन लॉ को, अपने साले को या जीजा को, ब्रदर इन लॉ दो के लिए आता है, जीजा के लिए, साले के लिए, अपने साले को झूठे अपराध में फंसाना चाहता था। फ्रेम का मतलब झूठे अपराध में फंसाना, इम्प्लीकेट। फ्रेम का मतलब इम्प्लीकेट, आई एम पी एल आई सी ए टी, इम्प्लीकेट का मतलब भी झूठे अपराध में फंसाना।
शिव शंकर, जो शिव शंकर है, फेन इलनेस, उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया था, फेन बहाना बनाना, प्रिटेंड। PRETEND, फेन, FEIGN, एग्जाम में भी आ चुका है, एयरफोर्स वगैरह के। शिव शंकर ने बीमारी का बहाना बनाया था, बीमार थे नहीं, फिर भी बताया कि बीमार हूं। इन्होंने बीमारी का बहाना बनाया था पूछताछ से बचने के लिए, अवॉइड, बचना, दूर रहना। शिव शंकर ने पूछताछ से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाया था, क्वेश्चनिंग जान गए होंगे, इंटरोगेशन। ये बात कस्टम्स के अधिकारियों ने बताई है, सीमा शुल्क के अधिकारियों ने बताई है। डिपार्टमेंट, जो उनका विभाग है, अपोज, उसने विरोध किया है, जो उन्होंने याचिका दायर किया हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए, जो शिव शंकर ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है, इस याचिका का विरोध उन्हीं के विभाग ने किया है। किस विभाग ने किया है? कस्टम्स विभाग में। एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, ये बड़े बड़े लोग गिरफ्तार होने से पहले ले लेते हैं अग्रिम जमानत। केरला और कर्नाटक रजिस्टर, वहां दर्ज किए गए, डिक्लाइन, अब गिरावट आ रही है, डिक्लाइन मीन्स गिरावट, डिक्रीज। जो पॉजिटिविटी का रेट है सकारात्मक होने की दर है, उसमें गिरावट आ रही है, यानी अब कोरोना पॉजिटिव कम पाए जा रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, बॉर्न, उन्होंने चेतावनी दी है ऑफ पोटेंशियल, संभावित, पोटेंशियल मीन्स पॉसिबल, संभावित बताया भी था। जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ है, उन्होंने चेतावनी दी है पोटेंशियल, संभावित, ट्रिगर फैक्टर्स, जो ट्रिगर होने के कारण हो सकते हैं। फैक्टर क्या होता है? कारक, कारक का मतलब किसी चीज का कारण, ट्रिगर का मतलब प्रारंभ करना, यानी इस बीमारी को दोबारा से प्रारंभ करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनके बारे में चेतावनी किसने दी है? स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने। कहां पे? केरला में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। जो डेली केसेज हैं मार्जिनली हायर, थोड़े से अधिक हैं। मार्जिनली का मतलब थोड़े से, मामूली अंतर से, अगर मार्जिनल अंतर है तो थोड़ा सा अंतर है। क्लियर? फॉर वोटर्स, मतदाताओं के लिए, बिहार, जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं वहां के मतदाताओं के लिए जो चुनावी वादे हैं, जस्ट ओल्ड हैट, ओल्ड हैट हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई चीज घिसी पिटी बात हो, अप्रचलित बात हो, वोटरों से चल रही हो। अगर कोई चीज आउटडेटेड है तो अप्रचलित है, यानी बिहार के मतदाताओं के लिए चुनावी वादे तो क्या हो चुके हैं? ओल्ड एट हो चुके हैं, अप्रचलित बात हो चुकी है, जो चलन में नहीं है। हर साल वादे करते हैं और कुछ करते हैं नहीं नेता, तो उनके लिए ये आउटडेटेड चीज हो चुकी है, अब इस पर ध्यान नहीं देते। वेदर, चाहे मेड, चाहिए वादे किसके द्वारा किए गए हो? नीतीश कुमार के द्वारा या तेजस्वी यादव के द्वारा? द इलेक्टोरेट, जो मतदाता है, चाहिए वादे नीतीश कुमार करें, चाहिए वादे तेजस्वी यादव करें, जो मतदाता है इज नॉट रेडी टू टेक देम, उन वादों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, उन्हें पता है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, कोई पूरा नहीं कर रहा है। एट फेस वैल्यू, उनके चेहरे की कीमत पर, चेहरे के मूल्य पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, लोग उनके चेहरा देखकर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, काम करो तभी स्वीकार करेंगे, सिर्फ चेहरे से स्वीकार नहीं करेंगे। Given, किस पर विचार करते हुए वो वादे स्वीकार नहीं कर रहे हैं? इन सभी वर्षों का अनुभव देखते हुए, सभी वादे करते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं करता है। Given, विचार करते हुए, considering, given हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है।
विचार करते हुए, गिवन का मतलब कंसिडरिंग, एक्सपीरियंस जानते होंगे अनुभव, इन सालों का जो अनुभव है उस पर विचार करते हुए वहां के मतदाता इन दोनों के चेहरा देखकर उनके वादों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये कह देंगे तो पूरा हो जाएगा। थर्टी वन परसेंट नॉमिनी, जो 31% प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी वो होते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं फेज फर्स्ट, पहले चरण में, फेज जानते होंगे चरण, चुनाव कई चरण में होता है, पहले चरण में जो 31% प्रत्याशी हैं फेज, वो सामना कर रहे हैं आपराधिक मामलों का, फेज सामना करना क्रिमिनल केसेस होते हैं आपराधिक मामले, कांग्रेस होप्स, कांग्रेस आशा कर रही है, इट्स सॉन्ग इसका गाना बनाया है कांग्रेस ने, वो लोकप्रिय हो जाएगा, कैच ऑन हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैच ऑन, लोकप्रिय हो जाना, फेमस होना, हर जगह फैल जाना, बिकम पॉपुलर, कांग्रेस आशा कर रही है कि उसका गाना लोकप्रिय हो जाएगा। इट इज डायरेक्टेड एट, डायरेक्ट का मतलब एम, इस गाने का एम कौन है, लक्ष्य कौन है, प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट लेबर्स, प्रवासी मजदूरों के ऊपर यह गाना बनाया गया है जो कहां पर है, बिहार में, और उन्होंने जो कष्ट सहे थे लॉकडाउन के दौरान, उन कष्टों के ऊपर गाना है यह, गाना इस तरह बनाया ताकि उनको सरकार पर गुस्सा आए और वो कांग्रेस को वोट दें, सफरिंग्स माने कष्ट परेशानी जो उन्हें सफर करना पड़ा है, सफरिंग्स में कष्ट परेशानी, लेबरर मजदूर माइग्रेंट प्रवासी, डायरेक्ट एक्ट, लक्ष्य होना, निशाना बनाना, टारगेट करना, जो मधेपुरा में चुनाव हो रहा है वो 1990 की यादें लेकर आया है, एयर हवा, 1990 की हवा मतलब उस समय का जो माहौल था, इवोक, लाना, ब्रिंग टू माइंड कह लो, दिमाग में लाना, कोई चीज देख के हमें कोई पुरानी चीज दिमाग में आ जाती है उसे बोलते हैं इवोक। मधेपुरा में जो चुनाव हो रहा है वो 1990 का माहौल दिमाग में लेकर आ गया है, 1990 जैसा माहौल बन गया है। बीपी मंडल का जो नाती है शरद यादव, जो बीपी मंडल का नाती है और शरद यादव की जो लड़की है, वो इसमें चुनाव लड़ रहे हैं, ये बड़े बड़े नेता थे, उनके पौत्र पुत्री लड़ रहे हैं, तो 1990 जैसा माहौल दिमाग में आ गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड था इवो, दिमाग में लाना, लाना, बी कॉशस, सावधान रहो ऑफ री इंफेक्शन, दोबारा संक्रमण के लिए, क्योंकि संक्रमण दोबारा भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहो, जैसे एक बार हो चुका है दोबारा भी हो सकता है। भार्गव कॉल्स फॉर, भार्गव ने मांग की है, कॉल फॉर मींस डिमांड, मांग करना, आह्वान करना, भार्गव ने क्या मांग की है, सस्टेन्ड एक्शन, लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, सस्टेन्ड का मतलब स्थायी, लगातार, निरंतर, लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, इवन एज उस समय जिस समय नए COVID-19 के मामलों की संख्या गिर रही है, संख्या गिर भले रही है लेकिन कार्रवाई लगातार होनी चाहिए, ये नहीं संख्या गिर रही है तो कार्रवाई बंद हो जाए, इवन एज एट द सेम टाइम, उसी समय जिस समय संख्या गिर रही है उस समय कार्रवाई लगातार होनी चाहिए, एट द सेम टाइम।
फेलुडा टेस्ट जो फेलुडा परीक्षण है उपलब्ध हो जाएगा अक्टूबर 31 तक, रिजल्ट तैयार हो जाएंगे इसके एक घंटे में। इंडिया रिप्लाई, भारत ने जवाब दिया है, रिप्लाई उत्तर देना, जवाब देना। यूएनएससीआर मुखिया की आलोचना, उसने आलोचना की होगी उसका जवाब दिया है, रिप्लाई जवाब देना। क्रिटिसिज्म आलोचना, क्रिटिसाइज का नाउन क्रिटिसिज्म। अमित शाह मीट्स, अमित शाह मिले हैं नागालैंड के नेताओं से। नागा पीस पैक्ट, जो नागा शांति समझौता है, पैक्ट में समझौता एग्रीमेंट, जो नागा शांति समझौता है, एक्सपेक्टेड आशा की जा रही है कि उसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा जल्दी, फाइनलाइज कर दिया जाएगा। फाइनलाइज अंतिम रूप देना, एक्सपेक्ट आशा करना या पूर्वानुमान लगाना। गवर्नमेंट रिफ्यूजेस, सरकार ने मना कर दिया है गिव डिटेल्स, ब्यौरा देने से, सीआईसी आवेदकों को ब्यौरा देने से मना कर दिया है। डिटेल्स ब्यौरा, एप्लीकेंट्स आवेदक जो सीआईसी आवेदक है उनका ब्यौरा देने से मना कर दिया है। आरटीआई रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर दिया गया, किसी ने आरटीआई रिक्वेस्ट डाली होगी और सीआईसी आवेदकों का ब्यौरा मांगा होगा, सरकार ने वो ब्यौरा देने से मना कर दिया, डिटेल्स देने से मना कर दिया। टर्न डाउन मिस रिजेक्ट अस्वीकार करना, ठुकराना। चाइना अपोजिस, चीन ने विरोध किया है, भारत और ताइवान के बीच जो व्यापारिक संबंध है उसका चीन ने विरोध किया है। ट्रेड जानते होंगे, व्यापार, टाइज में संबंध, रिलेशनशिप। वन चाइना प्रिंसिपल, एक चीन है ये सिद्धांत, चीन एक है पूरा, ये जो सिद्धांत है इज अ यूनिवर्सल कंसेंसस, ये सार्वभौमिक सर्वसम्मति है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी समुदाय। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मतलब विश्व के सारे देश, विश्व के सारे देशों की कंसेंसस है। कंसेंसस क्या होता है? सर्वसम्मति। सर्वसम्मति का मतलब सबकी एक ही राय है कि चाइना एक है, उसके कोई हिस्से नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सर्वसम्मति है, एक मत है, एक राय है, यूनिवर्सल राय है। यूनिवर्सल का मतलब वो राय पूरे विश्व में मान्य है। वो राय क्या है कि चाइना एक है, वन चाइना प्रिंसिपल का मतलब एक चाइना का सिद्धांत, यानी ताइवान को भी चाइना अपना हिस्सा मानता है और भारत ताइवान से अपने व्यापारिक संबंध बढ़ा रहा है। अनदर मिलिटेंट, एक अन्य आतंकवादी मारा गया सोपिया में मुठभेड़ में, एनकाउंटर जानते होंगे, मुठभेड़, मिलिटेंट आतंकवादी, ये प्रिंसिपल जान गए होंगे, सिद्धांत यूनिवर्सल सार्वत्रिक सार्वभौमिक जो पूरे ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स के लिए मान्य हो। कंसेंसस सर्वसम्मति एकमत, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी समुदाय। क्वाड ग्रुप जो क्वाड का समूह है, शुड इवेंचुअली अंत में बिकम फॉर्मलाइज्ड, उसे क्या बनना चाहिए? फॉर्मलाइज बनना चाहिए। फॉर्मलाइज बताया था किसी को लीगल स्टेटस देना, कानूनी दर्जा देना, शुरू में बताया था फॉर्मलाइज। फॉर्मलाइज किसी को कानूनी दर्जा देना, औपचारिक दर्जा देना, इवेंचुअली अंततः अंत में। हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड क्या होता है? संकरित। संकरित का मतलब एक प्रजाति से बना हुआ कि एक से ज्यादा मिश्रित कह सकते हो, संकरित कह सकते हो। जो मिश्रित मॉडल है
स्मार्ट फेंस। फेंस क्या होती है, चार दीवारी कह लो, बाड़ कह लो, ये दीवार टाइप की बना दी जाती है ताकि उधर का व्यक्ति इधर नहीं आ पाइए, जो सरहदें होती है वहां पे बना दी जाती है। फेंस को चार दीवारी कह सकते हो या बाड़ कह सकते हो। तो हाइब्रिड मॉडल बनाया गया है, एक मिश्रित नमूना बनाया गया है स्मार्ट चार दीवारी का, बीइंग टेस्टेड, और इस चार दीवारी का परीक्षण चल रहा है एलओसी के किनारे। एलओसी जानते होंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल, सीमा रेखा, अलोंग के किनारे टेस्ट परीक्षण करना। स्मार्ट का मतलब इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा होगा, जैसे स्मार्टफोन आते हैं वैसे स्मार्ट यहां पे वही अर्थ है। मॉडल नमूना हाइब्रिड संकृत कह लो मिश्रित, मिश्रित का मतलब इसमें एक से ज्यादा चीजों का प्रयोग हो रहा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं आप लोगों से।